जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द फ्री फॉल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपके होश उड़ा देगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में हमने यह क्लासिक हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बहन जूली से बात कर रही थी। उस दिन उनके माता पिता की एनिवर्सरी थी और उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा हुआ था। सारा अपनी बहन से कहती है कि क्या वो उनके एनिवर्सरी में आ रही है। जूली उससे कहती है कि आज वो उनसे मिलने नहीं आ सकती और वो उनके पेरेंट्स को उसकी तरफ से फ्लावर्स भी दे दे। ये सुनकर सारा उससे पूछना चाहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जूली उसकी नहीं सुनती और फोन काट देती है। दोस्तों, यहाँ पे हम जान पाते हैं कि सारा के रिलेशन अपने माता पिता से अच्छे थे, लेकिन जूली के रिलेशन अपने माता पिता से अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो उनके एनिवर्सरी पे नहीं जा रही थी। रात को सारा फ्लावर्स लेके अपने माता पिता के घर में पहुंचती है, जहाँ पे वो उन्हें आवाज लगाती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी सारा को ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाती है। जब वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी माँ खून से लथपथ दिखाई देती है, जिसने उसके पिता को बुरी तरह स्टैब करके मार डाला था। सारा ये देख के हैरान हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसने ये क्या किया, तो उसकी माँ उससे कुछ नहीं कहती और अपना गला काट के अपनी जान ले लेती है। ये देख के सारा काफी ट्रॉमेटाइज हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ सारा अपने माता पिता के गम से जूझ रही थी। उसने अपनी कलाई काट ली थी आत्महत्या करने के लिए, लेकिन तभी उसका पति निक वहाँ पे आता है जो कि उसकी जान बचा लेता है। जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने निक को पाती है जो कि उससे कहता है कि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है तो वो आराम करे। सारा उससे पूछती है कि वो कौन है और वो किस बारे में बात कर रहा है। ये सुन के निक को पता चल जाता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो उसे बताता है कि वो उसका पति है और उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। सारा ये सुन के बहुत रोती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। रात को सारा जब सो रही होती है तो अचानक उसे बाहर से आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे अपनी माँ की आत्मा नजर आती है जो कि उसे हॉन्ट करती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी निक उठता है और उसे संभालता है। वो उसे एक गोली खाने के लिए देता है जो कि डॉक्टर ने उसे दी थी। उसके हाथों से पट्टी हटाता है और उसके हाथों को चूमता है और उसे कहता है कि आइंदा वो ऐसा कदम दोबारा ना उठाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो वो उसके बिना नहीं रह सकता। अगली सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो खिड़की के बाहर देखती है, जहां उसे निक नजर आता है जो कि एक औरत से बातें कर रहा था। तभी उनके घर का फोन बजता है तो सारा उसे उठाती है। उस तरफ उसकी बहन जूली होती है जो कि सारा से कहती है कि वो वहां से निकल जाए। सारा इस उनके बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और तभी निक वहां पे आता है जो कि उसकी कॉल को काट देता है। वो उससे कहता है कि वो जूली से दूर रहे क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही गलत करना चाहती है। उसके बाद निक सारा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, जहां सारा उससे पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। निक उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उसकी मॉम पागल हो गई थी जिसने अपने पति को मार डाला था और उसके बाद उन्होंने खुद का गला काट के भी आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर सारा हैरान हो जाती है और उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। दोपहर में सारा जब आराम कर रही होती है तो वो खिड़की के बाहर उसी औरत को देखती है। वो निक से पूछती है कि उसने आज दूसरी बार उस औरत को देखा है और वो जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन। निक उसे बताता है कि वो उनकी नौकरानी है जिसका नाम रोज है और उसने उसे हायर किया है उसका ख्याल रखने के लिए। शाम को रोज जब नहा रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और हम उसके पास से किसी को गुजरता हुआ देखते हैं। वो बाथरूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि बाथटब हटा दिया गया है और उसके बाद वो एक रूम में जाना चाहती है जिसके अंदर से रोज बाहर निकलती है। सारा उससे कहती है कि वो देखना चाहती है कि आखिर उस रूम में क्या है, तो रोज उसे मना करती है कि निक ने उसे मना किया है इस रूम में जाने के लिए। सारा उससे पूछती है कि यहाँ पे उसे घड़ी की आवाज आई थी तो यहाँ पे घड़ी कहाँ पे है, तो रोज उसे बताती है कि इस घर में कोई घड़ी है ही नहीं। ये सुनकर सारा बहुत ही अचंभित हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो निक के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसका बाथटब कहाँ गया, तो वो उसे बताता है कि उसने उस बाथटब को हटा दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोबारा उसमें जाके अपनी कलाई काटे। उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। रात को सारा जब सो रही होती है तो अचानक उसे एक विजन आता है, जहाँ पे वो दो आदमियों और एक औरत को देखती है जो कि उसके मुंह के सामने खड़े थे और वो वहाँ पे उसके आगे कुछ कर रहे थे। तभी उसकी नींद खुलती है तो वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे वो खुद को देखती है जिसने बाथटब में अपनी कलाई काट ली थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो फिर से उन आदमियों को अपने सामने देखती है, जिसमें से एक डॉक्टर होता है जो कि उसका चेकअप कर रहा था। उसको चेक करके उस लड़की से कहता है कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक है, यानी वो जो लड़की उसके साथ थी वो जूली थी। तभी अचानक सारा का शरीर हिलने लगता है जिससे वो सभी डर जाते हैं और जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बिस्तर पे पाती है।
वो खिड़की की ओर जाती है जहाँ वो उसकी बहन और उस डॉक्टर को देखती है जिसे निक ने उनके घर से भगा दिया था। निक जब वापस आता है तो सारा उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन थे। तो निक उसे बताता है कि वो लड़की उसकी बहन थी जो कि डॉक्टर को साथ लेकर आई थी। उसकी बहन ने पास्ट में उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी है, इसीलिए उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया ताकि उसका साया भी उस तक ना पहुंच सके। निक उसे किस करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। रात को निक उसके लिए पियानो बजाता है जहाँ सारा उसकी कला देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। निक उससे कहता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब भी उसने उसके लिए पियानो बजाया था और वो चाहता है कि जल्दी से उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं ताकि वो फिर से अच्छे से रह सके। सारा ये सुन के उससे कहती है कि ये बात पक्की है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे वो मेमोरीज वापस नहीं चाहिए उसे प्यार करने के लिए। वो दोनों अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकते हैं जिससे उन दोनों के लिए ही अच्छा होगा। अगली सुबह निक सारा को बताता है कि उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जहाँ पे उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं जो कि उसके बारे में पूछ रहे थे। सारा इस उनके उससे कहती है कि उसे इस पार्टी से कोई एतराज नहीं है। अगले दिन सारा गार्डन में जाके गार्डनिंग करती है। वहाँ वो रोज को देखती है जो कि एक भारी बास्केट उठा के ला रही थी। जब वो उसकी मदद करने जाती है तो रोज उसे डांट के हटा देती है। वो उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनके सारा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी सर्वेंट थी और उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी। वो निक के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है। निक उससे कहता है कि वो एक स्ट्रांग वुमन है तो वो कायर की तरह बात क्यों कर रही है। अगर रोज ने उसे ऐसा कहा है तो वो उसे करारा जवाब दे और चाहे तो वो उसे नौकरी से भी निकाल सकती है। सारा उससे कहती है कि उससे ये सब नहीं होगा। तो निक उसे भड़काने के लिए उसे गाली देता है जिससे गुस्सा होकर सारा उसे थप्पड़ मार देती है। निक ये देख के खुश होता है और उससे कहता है कि ऐसे ही उसे करारा जवाब देना है। रात को सारा जब सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वहां पे जाती है देखने के लिए। तभी उसे वहां पे निवस्त्र निक दिखता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहां पे क्या कर रहा है। तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। वहीं पे हम रोज को देखते हैं जो कि उन्हें इंटीमेट होते हुए देख रही थी। अगली सुबह जब सारा की आंखें खुलती हैं तो उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। जब वो घर के बाहर जाती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो कि उसे अपना नाम टॉम बताता है और उससे कहता है कि वो उसकी बहन का दोस्त है। सारा उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि वो खो चुकी है तो वो उसे सही मार्ग दिखाने आया है। उसके आसपास जो भी चल रहा है वो कुछ भी रियल नहीं है तो वो उसकी बात माने और उसके साथ चले। कभी कभार उसके दिमाग में जो आवाजें आती हैं वो उनकी आवाजें होती हैं तो वो सिर्फ उनकी बात सुने इन सबसे बाहर निकलने के लिए। वो उसे एक चाबी भी ऑफर करता है और उससे कहता है कि इससे वो उस दरवाजे को खोले। तभी वहाँ पे निक आ जाता है तो टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। सारा निक को बताती है कि यहाँ पे एक आदमी था जो कि अजीब सी बातें कर रहा था। तो निक सारा को समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है और जो कोई भी उससे बात करने आए वो उसकी बातें ना सुने। वो उसके सामने रोके उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर वो उससे दूर गई तो वो जी नहीं पाएगा। सुनके सारा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद वो उसे डिनर पार्टी के लिए ड्रेस दिखाता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था। सारा को ड्रेस काफी पसंद आती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। रात को जब सारा सो रही होती है तो फिर से उसे वो विजन आता है। वो अपने सामने अपनी बहन को देखती है जो कि उसे देख के डर रही थी और अचानक वो कमरा बंद कर देती है और टॉम को पुकारती है। तभी सारा अपने आप को एक स्टोर रूम में पाती है जहाँ पे उसके बचपन की यादें थीं। उसे वहाँ पे अपने माता पिता और बहन की तस्वीर नजर आती है और एक बुक के अंदर उसे वो चाबी मिलती है जो कि उस कमरे की चाबी थी। तभी वो अपने सामने टॉम को देखती है जो कि उससे कहता है कि वो बाहर निकल जाए। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने निक को पाती है जो कि उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो उन आवाजों की ना सुने। सारा जब गार्डन में काम कर रही होती है तो वो रोज को देखती है जो कि वहाँ पे कपड़े सुखा रही थी। वो रोज के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बुरा बर्ताव करने की। रोज उससे कहती है कि उसने उसके साथ कब बुरा बर्ताव किया। सारा उससे कहती है कि वो इतनी भी भोली ना बने। तो रोज उसे बताती है कि वो अक्सर उसे और उसके पति को देखा करती है जब वो इंटीमेट होते हैं। इस उनके सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोज को जॉब से निकाल देती है। तभी सारा को वहाँ पे एक जड़ मिलती है जो कि खून से लथपथ थी। इसे देख के वो बहुत हैरान हो जाती है और उसके मुंह से कुछ काला पदार्थ निकलता है। जब वो नहा रही होती है तो निक उसके पास आके पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि उसने रोज को जॉब से बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बकवास करती थी। निक उससे कहता है कि उसका डिसीजन अच्छा है और उसने सही काम किया। रात को निक ने डिनर पार्टी रखी होती है जहाँ पे उसके दोस्त आने वाले थे। वो सारा के पास आके उससे कहता है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए और उसको उसकी दवाई देता है खाने के लिए। सारा जब अपनी ड्रेस पहनती है तो वो आईने में देखती है जहाँ उसे कुछ और ड्रेस नजर आती है और उसकी बहन वहाँ पे होती है जो कि चिल्ला रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके वो नीचे जाती है जहाँ सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
रवीनिक सबके सामने पोक मीट लाता है और उसे लाने के लिए उसकी मदद रोज करती है। सारा ये देख के हैरान हो जाती है और निक से पूछती है कि रोज कहाँ से आई। तो निक उसे बताता है कि उसने रोज को उसकी मदद करने के लिए बुलाया था क्योंकि उसे पोक मीट बनाना नहीं आता था। वो सभी वहाँ पे बातें करने लगते हैं और निक वहाँ पे कैनिबलिज्म की बातें करता है। वो सबसे कहता है कि कैनिबलिज्म इस दुनिया में बहुत पहले से है, जब इंसान नए नए धरती पे आए थे तब से ही कैनिबलिज्म यहाँ पे चलता आया है। ये सुनके सारा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कैसी बातें कर रहे हैं। सारा उनसे वाइन मांगती है तो रोज उसके लिए वाइन लेकर आती है जिसके अंदर उसने एक गोली मिलाई हुई थी। सारा जब वो वाइन पीती है तो उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है। तभी एक बंदा सारा के लैब पे हाथ रखता है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, तो सारा एक फोक उठा के उसके हाथ में घुसा देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और वहाँ पे मिलकर डांस करते हैं। तभी सारा रिफ्लेक्शन में टॉम को देखती है जो कि उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी बात सुने। निक उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे किस करने लगता है और तभी अचानक सारा अपने आप को खून से लथपथ बाथ टब में पाती है जहाँ पे उसके सामने पिग मास्क पहना बंदा आता है जो कि एक डीमन था। उसे डिमोनिक आवाज में कहता है कि वो उसकी बात सुने और कहीं पे भी ना जाए। और जब सारा पीछे देखती है तो उसे नजर आता है कि जहाँ वो है वो असलियत नहीं है। अपने पीछे वो रोज को देखती है जो कि उसका खून साफ करती है और उसके बाद वो उसे एक कपड़ा पहनाती है। वो बंदा अपना मास्क हटाता है तो सारा देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि निक है। वो डिमोनिक आवाज में उससे कहता है कि वो उसके साथ घर चले, तो सारा उसकी नहीं सुनती और भाग के रूम में चली जाती है। तभी निक वहाँ पे आता है और उसे समझाता है कि वो उसका पति है और उससे प्यार करता है। लेकिन तभी वहाँ पे टॉम आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा क्रॉस था। वो निक को देख के उससे कहता है कि वो सारा को अकेला छोड़ दे और निक उसको एक हाथ मारता है जिससे टॉम नीचे गिर जाता है। उसके बाद सारा चाबी लेके भागती है और उस रूम में दाखिल हो जाती है जिसके अंदर निक उसे जाने से मना करता था। वहीं पे ढेर सारी आत्माएं होती हैं जो कि उसे परेशान करती हैं। लेकिन तभी वो अपने आप को एक लाइब्रेरी में पाती है जहाँ पे ढेर सारी बुक्स मौजूद थीं। वहीं पे उसे रोज की एक बुक मिलती है जिसे वो उठा के पढ़ने लगती है। वहाँ पे उसे रोज की कुछ प्राचीन तस्वीरें मिलती हैं जिससे वो समझ जाती है कि वो बहुत ही पुरानी है। एक तस्वीर में रोज एक सांप के साथ थी जिससे वो समझ जाती है कि रोज कोई और नहीं बल्कि लिलिथ है जिसने उस डीमन के साथ उसे पोजेस करके रखा है। तभी उसे अपनी किताब मिलती है तो वो उसे खोल के देखती है जिसके अंदर सिर्फ एप्पल ही लिखा हुआ था। निक वहाँ पे आके उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तभी उस घर के बाहर टॉम आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसकी बात ना सुने। वो एक डीमन है जो कि उसे अपने साथ रखना चाहता है और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो सच नहीं है। टॉम होली वाटर निकालता है और निक के चेहरे पे फेंकता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और सारा समझ जाती है कि वो सच में डीमन है। तभी सारा को याद आता है कि वो वही डीमन है जिसने उसकी माँ को पोजेस किया था और उसने ही उसकी माँ के हाथों उसके पिता का कत्ल करवाया था और उसके बाद उसने उसका भी गला पकड़ के उसे मार डाला था। ये सोच के सारा खिड़की से नीचे कूद जाती है और ऐसा करते ही वो असल दुनिया में बाहर आ जाती है जहाँ पे उसे बेड से बांधा गया था और फादर टॉम उस पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे जो कि उसकी दुनिया में दाखिल होके उसे बाहर लाए थे। वो उस पे होली वाटर छिड़कते हैं जिससे कि वो डीमन तड़पने लगता है। सारा की बहन जूली उस डीमन से कहती है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे और बदले में वो उसे ले जाए। तभी वो डीमन वहाँ से चला जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर सारा का चेकअप करता है और उसकी बहन को बताता है कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है और फादर सारा से कहता है कि वो डीमन उसके दिमाग से खेल रहा था। वो डीमन बहुत ही शक्तिशाली था जिसने उस घर में एक नई दुनिया बना ली थी और वो एज अ पति उसका रोल प्ले कर रहा था। उसकी दुनिया में जो रोज नाम की औरत थी वो लिलिथ थी और वो उस डीमन की पहली पत्नी है। तभी अक्सर वो उससे रूडली बात किया करती थी क्योंकि वो डीमन उसे पोजेस करके अपनी नई बीवी बनाना चाहता था जिससे कि लिलिथ बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। वो सारा से ये भी कहता है कि अभी ये बला टली नहीं है, वो डीमन कभी भी वापस आ सकता है तो वो सतर्क रहे। तभी सारा वहाँ पे वो क्लॉक देखती है जिसकी उसे तलाश थी और उसे पता चलता है कि अब वो पूरी तरह रियलिटी में आ चुकी है। सारा की बहन उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और अब वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वो उसे एक गोली देती है और उससे कहती है कि डॉक्टर ने उसे खाने के लिए दिया है। सारा जब उस गोली को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो सेम गोली है जो कि सपने में उसे वो डीमन दिया करता था। ये देख के उसे लगता है कि शायद अभी वो बला टली नहीं है और जूली उससे कहती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। यानी कि दोस्तों उस डीमन ने अब जूली को पोजेस कर लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। दोस्तों इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये मूवी एक पोजेस्ड इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है और ये बताया गया है कि उसके दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है कि वो बाहर से पूरा पागल हो जाता है। यानी वो डीमन इंसान को पोजेस करते हैं तो वो उसके दिमाग से ही खेलने लगते हैं और इस इंसान की मेमोरी बाहर से चली जाती है, इसीलिए वो पागलों की तरह बर्ताव करता है। उसके दिमाग के अंदर वो डीमन उसे पूरी तरह स्टेबल रखता है और वहाँ पे उनके लिए एक नई दुनिया बना देता है जिससे वो वहीं पे जीने लगते हैं। दोस्तों आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है।
साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिलिथ डीमन का जिक्र किया गया है जो कि एडम की पहली बीवी मानी जाती है, लेकिन वो एक फेमिनिस्ट थी जिसने एडम को छोड़ दिया था और जब ईश्वर ने उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया तो उसने डीमन से हाथ मिला लिया और तब से ही वो डीमन के साथ रहती है। लिलिथ एक ऐसी डीमन है जो कि औरतों के बच्चे खाया करती है और औरतों को पोजेस करके वो मर्दों के साथ इंटीमेट भी होती है। निक भी एक डीमन था जो कि औरतों को पोजेस करके उनके साथ इंटीमेट होता था और उनके दिमाग में रह के वो उनका हमेशा इस्तेमाल करता था। वो एक नकली कहानी बना देता है जिससे इंसान को यकीन होने लगता है कि वो उसका रिलेटिव है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।